नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आपको मैं आज श्रवण मास की शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म बताने जा रही हूँ। और आपके सबके मन में क्वेश्चन होगा कि हम एकादशी व्रत क्यों रहे और हमको क्यों रहना चाहिए, चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, और व्रत रहने के साथ में हमको कथा क्यों सुननी चाहिए। तो कथा का महात्म कितना बड़ा है, इसकी महत्ता कितनी है, वो आपको कथा में ये आपको लास्ट में सब समझ में आ जाएगी कि हमको कथा सुनने, अगर आप व्रत नहीं भी रहते हैं और कथा सुनते हैं तो ये कथा जो महात्म है इसका सुनने से भी बहुत कई गुना फल मिलता है। और इस कथा को सुनने से, जो कि कामिका एकादशी है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसको सुनने से विष्णु धाम जाने का फल प्राप्त होता है, अगर हम सच्चे मन से सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं। और अगर हम व्रत रहते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर व्रत नहीं रहते हैं तो हमको चावल नहीं कम से कम खाना चाहिए और उस दिन चावल घर में नहीं बनाना चाहिए। अब इसकी जो है कथा का जो महात्म है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो इस प्रकार से है। कामिका एकादशी, कामिका एकादशी जो है वो युधिष्ठिर ने पूछा कि गोविंद वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार अषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, प्रभु यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मास से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी के स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति, वही फल भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के बागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्त होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नृप श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पापु भेरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और न कभी दुर्गत में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। या दृष्टा निखिलाग संग शमिनी इस पृष्टा व पुष्पावनी रोगाणाम भी वंदिता निरसनी शिक्तांत कत्रासनी प्रत्याशक्ति विधायनी भगवतः कृष्णस्य संरोपितः निस्ता तच्चरणे विभुक्ति फलदा तस्य तुलसे नमः।
जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्त गुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। ये था महात्म श्री एकादशी व्रत कथा का। तो ये आपको मैंने बताया कि ये कितनी महत्ता है एकादशी व्रत की। अगर आप व्रत नहीं भी रहते हैं तो इस दिन आप चावल ना खाएं। और इसमें देखिए बाद में लिखा है, स्वयं कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि विष्णु लोक को जाता है, यानी कि अगर आप ये कथा सुनेंगे और दूसरों को सुनाने में भागीदार होंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा, क्योंकि आप तो सुन रहे हो और इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो बहुत लोगों तक ये जाएगी। कम से कम आप 108 तक जरूर भेजिए, क्योंकि इसको कथा सुनने से जितने लोग सुनेंगे उनका फल जो होगा, उनको पुण्य प्राप्त होगा, उसका दसवां हिस्सा तो आपको मिल ही गई। तो आप आशा करती हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि शेयर करने से काफ़ी कुछ आपको भी लाभ होगा। इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। अगली जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी के साथ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय।